किया है उद्धव जी। मैं लाख कोशिश करूं लेकिन मैं ब्रजवासियों को, मैं वृंदावन वासियों को नहीं भुला पा रहा। उद्धव जी ने जवाब दिया, श्याम आपकी महत्ता को तो मैं समझता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन आप सर्वोपरि होने के बाद उस ब्रज की गमार गोपियों के पीछे क्यों पड़े हो? श्याम सुंदर समझ गए उद्धव जी उन गोपियों को गमार कह रहे हैं। लगता है उद्धव जी को प्रेम नहीं आता है, और मैं तो द्वापर में प्रेम की स्थापना करने के लिए ही आया हूँ, इसलिए प्रेम से कोई वंचित ना रहे। श्याम सुंदर ने उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम ऐसा करो, वृंदावन चले जाओ। और बोले, अरे रोई रोई की मो I'm not afraid।
आता है, लेकिन इस समय वृंदावन में तो हमेशा सावन ही लगे हैं। हमेशा हर आंख से नीर बरसता है उधव और बोले हैं, ताते जल से सुबह मेरा मुख धोआ करती थी, लेकिन जब से मैं इस मथुरा में आया किसी ने मेरा गर्म जल से मुख नहीं धोया है। और बोले हैं श्याम सुंदर,